जगह पहुंचा दे और पेंशन जरूर दिलवा दे। नहीं तो नहीं कह सकता अभी, लेकिन जब ये बात प्रधानमंत्री जी के आगे आई थी कि जो ये नई पेंशन स्कीम है इसमें समस्याएं हैं, किसी की बहुत कम है बहुत ज़्यादा है, एक दिन इस बात पर काफ़ी लोगों ने कही, मुझे भी आज ने समझाया था कि तो मैंने भी ये बात, सब लोग मिलकर रखते हैं सरकार में, जब भी बात चलती है कोई इतनी बड़ी बात है कोई मैं कह दूँ कि ला तो भाई मुझे भी 100 आदमी कोई बात अलग अलग कहेंगे, आगे तो मेरे मन में ठकता है नहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके बाद ये कमेटी बनी और मुझे उम्मीद है, ये तो नहीं पता कि मैं क्या होगा, मैं कोई बात कमिट करना मिले ठीक है, लेकिन कमेटी बनी इसलिए है कि नहीं इतना इस तरह से, जिस तरह से जो एनोमलीज है पहले उसमें हमारे वाली उसमें वो एनोमलीज दूर होनी चाहिए, ये बेहतर बननी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि उस कमेटी ने काम शुरू कर दिया, काफ़ी हम भी बीच बीच में पता लेते रहे क्या चल रहा भाई क्या चल रहा, क्योंकि जब आप लोग कोई बात कहते हो तो हमारा भी रहता है कि भाई इसके बारे में पता करो या अपनी बात, और कई बार क्या होता है सरकारों में अपनी बात रखते हैं, कोई जरूरी नहीं हर बात हमारी मान लीजिए हर सांसद की हर मंत्री की, लेकिन जब ज़्यादा लोग कहते हैं तो उस बात पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें बदलाव तो होना ही होना, वो किस स्तर तक कैसा होगा वो भी निकाह था, लेकिन सरकार का मन है इन चीज़ों को बदलने का, ये जो चीज़ें गलत है किसी की बहुत ही कम होगी, कुछ लोगों की पता नहीं उसमें क्या फॉर्मूले में गड़बड़ है वो तो मैं नहीं कह सकता, तो बदलाव गुंजाइश है। आप लोग तो भाई हो मेरे और मेरा काम है एज ए डाकिया नहीं होता, जब डाकिया होता है कि आपकी बात सरकार में कहना, सांसद के रूप में एक डाकिया के रूप में काम करूँ, जो भी आपकी बात मेरे तक आए निश्चित रूप से सरकार के टॉप पोस्ट तक पहुँचेगी।